नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम मुगल इतिहास में हुमायूं के बारे में जानेंगे। हुमायूं किस तरह से गद्दीनशीन होता है, किस तरह से उसको प्रारंभिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किस अवस्था में उसको भारत छोड़ के भागना पड़ता है। तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी किस तरह से बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, यहाँ के क्षेत्र विजित किए, उस समय क्या राजनीतिक दशा थी, इन सब के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की थी। और बाबर की किस तरह से मृत्यु होती है वो सब हमने देख लिया था 1530 में। तो बाबर का ही बेटा है हुमायूं, और हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, भाग्यवान। लेकिन मुगल साम्राज्य में अगर हम देखें तो इससे ज्यादा भाग्यहीन बादशाह नहीं है कोई भी, और बहुत ज्यादा भाग्य इसका कहीं पे भी साथ नहीं देता, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो हुमायूं को बाबर से विरासत में क्षेत्र मिला था जो आपको इस मानचित्र में दिख रहा होगा हरे रंग से। जब हुमायूं की जो आयु है वो 23 वर्ष थी 1530 में, बाबर का साम्राज्य स्थापित हो चुका था और बाबर की मृत्यु होती है 1530 में। उस समय जब बाबर की मृत्यु होती है तब उस समय मुगल साम्राज्य के ऊपर काफी समस्याएं भी होती हैं और धन की बहुत ज्यादा अभाव होता है, जो प्रशासन है बहुत ज्यादा संगठित नहीं है। और इसी समय जो हुमायूं है वो गद्दी नशीन होता है और इसको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली चुनौती है पूर्व में अफगान। ये बाबर के समय में भी उपद्रव मचा रहे थे लेकिन हुमायूं को इनसे बहुत ज्यादा कड़ी चुनौती मिलती है। हम बात करेंगे आज शेरशाह सूरी की, किस तरह से शेरशाह सूरी की वजह से हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी पश्चिम में बहादुर शाह, ये गुजरात और मालवा पे शासन कर रहा था और धीरे धीरे ये राजस्थान की तरफ पड़ता है और नजरें गड़ा रखी है इसने भी दिल्ली पे। तो ये दो चुनौतियां सबसे बड़ी हैं। और इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है जो उसके जो खुद के बेग हैं, जो हमने देखा था कि बाबर के समय में भी वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे हिंदुस्तान में रहना, यहाँ पे बसना, लेकिन बाबर की वजह से वो यहाँ पे रुक जाते हैं और अब उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और वर्चस्व की लड़ाई करनी वो शुरू कर देते हैं। तो बाबर के चार बेगम हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। महम बेगम है, गुलरुख बेगम है, दिलदार अगाची है और आयशा बेगम है। तो हुमायूं जो है ये महम बेगम का बेटा है, सबसे बड़ी बेगम जो बाबर की थी महम बेगम, उन्हीं का बेटा है हुमायूं। गुलरुख से पैदा होते हैं कामरान और अस्करी जो कि हुमायूं के छोटे भाई हैं, और दिलदार अगाची से पैदा होते हैं हिंदाल और गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम सबसे छोटी है और हुमायूं की बहन है, इसने आगे चल के हुमायूं नामा भी लिखा है, जिसके ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूँ जब हमने सोर्सेस पढ़े थे मुगल हिस्ट्री के, तो उसमें मैंने इसकी चर्चा की थी, विस्तार से बताया था, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। आयशा जो है ये बाबर का साथ नहीं देती, साथ छोड़ के भाग जाती है और इससे कोई भी औलाद नहीं होती। तो बाबर के ये चार बेटे हैं और एक बेटी है जिनके ऊपर ये सारी कहानी है हुमायूं की। तो हुमायूं की जो आरंभिक स्थिति है मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो उसके बेग हैं वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें अलग ही एक भावनाएं पैदा हो गई, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और आर्थिक स्थिति भी जिस समय बाबर की मृत्यु होती है उस समय बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। समाज इनका जो साम्राज्य है वो संगठित भी नहीं होता है। और अबुल फजल और निजामुद्दीन अहमद भी अपनी किताब में इस बात की चर्चा करते हैं कि जो बाबर का वकील था खलीफा निजामुद्दीन, वो ख्वाजा मेहंदी को गद्दी पे बिठाना चाहता था और इसकी साजिश रच रहा था उस समय। तो ये आरंभिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, अनुकूल नहीं थी किसी भी बादशाह को गद्दी पे बैठने के लिए। और कुछ चुनौतियां जैसे धन का अभाव, दुश्मन उसके भाई और रखे थे, साम्राज्य असंगठित था, शेर खान की महत्वाकांक्षाएं अलग बढ़ी हुई थी और गुजरात में बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति, अमीरों का षड्यंत्र, ये कुछ ऐसी चुनौतियां थी जो हुमायूं को शुरुआत में झेलनी पड़ी। तो हुमायूं के बादशाह बनते समय कामरान जो है, जो उसका छोटा भाई कामरान है, वो काबुल पर था और कंधार का प्रभारी था, काबुल और कंधार दोनों का ही वो प्रभारी था, क्योंकि जो गुलरुख बेगम है जो मैंने बताया आपको, बाबर की जो दूसरी बेगम है गुलरुख बेगम, वो काबुल और कंधार के राजा की ही बेटी थी, जिसकी वजह से जब निकाह होता है इसका बाबर का और गुलरुख का, तो काबुल के ऊपर बाबर का अधिकार हो जाता है, काबुल और कंधार के ऊपर। और इसी वजह से जो इसका बेटा है कामरान, वो अपने आप को काबुल और कंधार का एक वैद्य राजा अपने आप को मानता है, प्रभारी बनाता है, लेकिन वो इससे भी संतुष्ट नहीं होता और वो लाहौर की तरफ बढ़ता है और हुमायूं से मांग करता है कि इसके अधिकारों की पुष्टि की जाए। अब हुमायूं जो है इसके केवल ना अधिकार को केवल नहीं स्वीकारता बल्कि उसको हिसार फिरोजा की भी जागीर देता है। तो हुमायूं का ये जो व्यवहार है जब उसका भाई उसकी तरफ बढ़ रहा है आक्रमण करने के लिए या शायद अपने अधिकारों की पुष्टि के लिए, तो उसको वो रोकने की बजाय या उसको मतलब उसको डाइवर्ट करने की बजाय वो उसको और ज्यादा प्रोत्साहन दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है और अपने साम्राज्य को एक तरह से अपने भाइयों में विभाजित सा कर दिया उसने। तो इसको हुमायूं की उदारता नहीं माना गया बल्कि उसकी कमजोरी और साहस का अभाव माना गया है। सबसे पहले हुमायूं बादशाह बनते ही 6 महीने के बाद कलिंजर दुर्ग पे आक्रमण करता है, कलिंजर दुर्ग को जीत लेता है। और ये कलिंजर जो है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड यानी कि जो मालवा और उत्तर प्रदेश के बीच का जो क्षेत्र है वहां का है ये बुंदेलखंड, जिसका जो राजा है वो है प्रताप रुद्रदेव।
और प्रताप रुद्रदेव जो है वो अफगानों को प्रोत्साहित कर रहा था, उससे सहानुभूति रखता था। इस वजह से पहले तो ये रीजन था कि हुमायूं ने उसके ऊपर अटैक किया। दूसरा रीजन ये था कि बहादुर शाह जो है, जो गुजरात और मालवा पे ऑलरेडी आ चुका है, वो आगे उत्तर प्रदेश और ऊपर की तरफ दिल्ली की तरफ ना बढ़े, तो उसको वहां पे चेक भी करना है, उसकी शक्ति को बढ़ने से रोकना है, तो वहां से वो नियंत्रित कर सकता था इन दोनों को, इसलिए उसने कलिंजर जीता। इसी समय पूर्व में जो शेर खान है उसने चुनार पर अधिकार कर लिया। अब हुमायूं चुनार की तरफ कूच करता है, तो शेर शाह जो है बिहार भाग जाता है और हुमायूं को बोलता है कि संधि कर लो, मैं हमेशा तुम्हारा वफादार रहूंगा। अब यहीं पे हुमायूं गलती कर देता है, इसको पहचान नहीं पाता, जबकि बाबर ने उसको आगाह किया था मरने से पहले कि ये जो अफगान है बहुत चालाक अफगान है, इससे सतर्क रहना। तो जो शेर शाह है ये पहले बाबर के साथ लड़ता था, मतलब बाबर के साथ कंधे से कंधा मिला के इसने चंदेरी के युद्ध में साथ दिया था बाबर का, उस समय बाबर इसको पहचान गया था, तो उसको आगाह किया था, लेकिन हुमायूं को समझ नहीं आया और हुमायूं ने संधि कर ली। और यहाँ पे शेर शाह को मौका मिल जाता है अपनी शक्ति को बढ़ाने का। अब हुमायूं को ऐसा लगता है कि शेर शाह उसके लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है, तो हुमायूं जो है वो इसीलिए बिहार की तरफ नहीं बढ़ता और वो अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करता है बहादुर शाह की तरफ। हुमायूं ने चुनार के बाद 1 साल तक आगरा में अपनी स्थिति सुधारी और प्रजा बादशाह तक अपनी शिकायत पहुंचा सके, इसके लिए उसने तबले अदल यानी कि जो न्याय का ढोल है उसकी व्यवस्था की। इसी बीच अफगान योद्धा हैं, सरदार हैं कुछ, बीबन और बाजार जैसे, वो जौनपुर पे जो मुगल प्रभारी है उसको जुनैद को भगा देते हैं और वहां पे कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब शेर शाह जो है अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए इन अफगानों का साथ नहीं देता, तो हुमायूं को ऐसा लगता है कि अब शेर शाह जो है मेरे से वफादारी करेगा आगे चल के, और हुमायूं जो है इन अफगान सरदारों को दादरा के युद्ध में हराता है और बायजीद जो है इसी में मारा जाता है। अब ये जो अफगान सरदार है इनको ऐसा लगता है कि शेर शाह ने इनको धोखा दिया, लेकिन शेर शाह अपनी स्थिति अलग तरीके से सुधार रहा होता है। अब मुगल संघर्ष होता है हुमायूं का बहादुर शाह से, तो शुरुआत में जो बहादुर शाह है उसको तो ऐसा लगता है कि मुगलों से संघर्ष ना किया जाए तो बेहतर है, लेकिन वो धीरे धीरे जब सफल होने लगता है मालवा और अपने क्षेत्र में, तो उसको ऐसा लगता है कि जो मुगल है वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुए हैं, अभी एकदम आरंभिक दौर में ही है, तो अभी उनके ऊपर आक्रमण करके उनको जीता जा सकता है। यहाँ पे वो सेवाएं लेता है रूमी तोपचियों की, रूमी खां और ख्वाजा सफर की। सबसे पहले बहादुर शाह ने पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ पे घेरा डाला। अब चित्तौड़ पे घेरा डालता है, वहां पे इसलिए डालता है क्योंकि चित्तौड़ जो है वो आगरा से नजदीक भी है, और इसीलिए हुमायूं जो है वो ग्वालियर की तरफ आता है। और यहाँ पे एक प्रसंग बहुत प्रचलित है कि रानी कर्णावती जो कि चित्तौड़ की रानी है, उन्होंने शायद हुमायूं को राखी भेजी थी कि मुगल बादशाह हुमायूं उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आए या उनके साथ कंधे से कंधा मिला के बहादुर शाह के खिलाफ लड़े खड़े हों। लेकिन यहाँ पे हुमायूं अब यहीं पे एक थोड़ी सी राजनीतिक गलती कर देता है, वो कर्णावती के संदेश को शायद नहीं मानता, क्योंकि इसके बारे में ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है कि शायद वो कर्णावती का संदेश लेके या राखी की वजह से बहादुर शाह से लड़ने चला जाए, वो ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि वो चला जाता है उज्जैन की तरफ। और वो जो है उज्जैन के पास इसलिए जाता है क्योंकि वहां से वो जो बहादुर शाह है उसके रास्ते को काट सके, उसकी वापसी के रास्ते को काट सके। तो यहाँ पे बहादुर शाह जो है वो बेचैन हो उठता है और बहादुर शाह और राणा जो है आपस में समझौता कर लेते हैं, मतलब चित्तौड़ का जो राणा है वो मालवा के कुछ क्षेत्र जो राणा ने जीते थे बहादुर शाह से, वो बहादुर शाह को लौटा देता है। और हुमायूं जो है वो इस समय दिल्ली चला जाता है, दीनपनाह का निर्माण करवाता है। लेकिन फिर से 1534 में बहादुर शाह चित्तौड़ का घेरा डालता है और हुमायूं जो है अब उसकी तरफ बढ़ने की बजाय वो जाता है उज्जैन, जिससे कि जब बहादुर शाह वापसी करे मालवा की तरफ तो हुमायूं उसके रास्ते को काट सके और वहां से वो मालवा को भी अच्छे से नियंत्रित कर सके। तो 1535 में हुमायूं कूच करता है, उज्जैन पहुंचता है और चित्तौड़ पे अधिकार कर लेता है बहादुर शाह। मंदसौर में फिर आमने सामने आते हैं हुमायूं और बहादुर शाह, क्योंकि बहादुर शाह जब वापसी कर रहा होता है तो रास्ते में मंदसौर के पास जो हुमायूं है वो उसकी रसद के सारे रास्ते काट देता है और बहादुर शाह की जो सेना है वो भूख से मरने लगती है। यहाँ से बहादुर शाह भागता है मांडू की तरफ और जो उसके तोपची थे रूमी खां वो हुमायूं की सेवा में चले जाते हैं। जब देखते हैं कि बहादुर शाह के पास कुछ बचा नहीं है अब, तो वो हुमायूं की तरफ चले जाते हैं। बहादुर शाह जो है यहाँ पे संधि की शर्त रखता है, कहता है हुमायूं से कि अगर तुम मुझे, मतलब बहादुर शाह खुद के लिए कहता है कि अगर हुमायूं जो बादशाह है मुगल बादशाह, अगर बहादुर शाह को गुजरात और चित्तौड़ का बादशाह समझ ले या उसके पास रहने दे, तो मालवा का अधिकार जो है वो हुमायूं को देने के लिए बहादुर शाह तैयार है। लेकिन हुमायूं यहाँ पे ये शर्त नहीं मानता और वो सीधे सीधे मांडू का घेरा डालता है। इससे बहादुर शाह भागता है चंपानेर, फिर बहादुर शाह धीरे धीरे भागता रहता है और हुमायूं उसका पीछा करता रहता है। चंपानेर से खंबात और खंबात से फिर बहादुर शाह भाग जाता है दीव, यानी कि गुजरात और मालवा का पूरा क्षेत्र छोड़ के जो बहादुर शाह है उसको भागना पड़ा दीव। और यहाँ पे हुमायूं जो है वापस चंपानेर में आता है और जैसे मैंने आपको बताया उसको धन की बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है प्रशासन को संगठित करने के लिए, तो
तो चंपानेर काफी समृद्ध जगह थी, गुजरात का जो क्षेत्र था काफी समृद्ध था, क्योंकि यहाँ से सी ट्रेड हुआ करते थे, तो उसको लूटता है बहुत अच्छे से, सारा का सारा धन लेके वहां से प्रशासन की। अब यहाँ पे गलती ये करता है कि यहाँ पे शहजादे अस्करी को गुजरात का प्रभारी बना देता है और खुद मांडू लौट जाता है। अब अस्करी को इतना तजुर्बा नहीं है प्रशासन का, और जैसे ही वो मांडू लौटता है हुमायूं, तो वहां का प्रशासन पूरा बिखर जाता है। इसी मौके का लाभ उठा के बहादुर शाह फिर से खंबात आ जाता है, खंबात पे अधिकार कर लेता है। लेकिन इससे पहले बहादुर शाह बहुत आगे कुछ कर सके, बहादुर शाह की मृत्यु होती है, वो हम एक अलग एपिसोड है जिसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जैसे ही अस्करी को लगता है कि यहाँ का प्रशासन उससे नहीं संभलेगा और हुमायूं चला गया है, तो अस्करी भागता है आगरा की तरफ। तो हुमायूं को ऐसा लगता है कि शायद अस्करी आगरा पहुंचे खुद को बादशाह ना घोषित कर दे, तो हुमायूं भी उसके पीछे पीछे भागता है और दोनों चित्तौड़ में जाके मिल जाते हैं। दोनों में आपस में सुलह हो जाती है, कुछ ज्यादा इसका घातक परिणाम नहीं होता। लेकिन इन सब के चक्कर में जो मालवा और गुजरात का जो प्रशासन है उसमें ढिलाई हो जाती है, और ये क्षेत्र जो है वो हुमायूं के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आता। अब हुमायूं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है शेरशाह, शेरशाह सूरी, जो कि अपने आप को मजबूत भी कर चुका है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हुमायूं ने उसकी संधि की शर्तें मान ली तो उसने अपनी स्थिति काफी मजबूत करी। फिर हुमायूं को लगा कि स्थिति ज्यादा मजबूत हो रही है शेरशाह की, तो वो चुनार के ऊपर घेरा डालता है, लेकिन दुर्ग बहुत ज्यादा मजबूत है, उसको जीतने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है हुमायूं को। उसी समय शेरशाह जो है सारा का सारा धन दौलत लेके भागता है बंगाल की तरफ, बंगाल की राजधानी गौड़ पे कब्जा करता है और उसका नाम रख देता है जन्नताबाद। अब हुमायूं यहाँ पे आत्मसमर्पण की शर्त रखता है शेरशाह सूरी के सामने कि आत्मसमर्पण कर दे, बदले में उसको जहांगीर भी दे देगा। लेकिन शेरशाह जो है ये अलग ही प्रस्ताव भेजता है हुमायूं के पास, और हुमायूं के पास ये प्रस्ताव भेजता है, कहता है कि अगर बंगाल का जो क्षेत्र है वो उसके अधिकार में रहने दे, हुमायूं शेर खां के अधिकार में अगर बंगाल रहने दे, तो वो शेर खां जो है वो हुमायूं को बिहार देने को तैयार है, साथ में प्रतिवर्ष 10 लाख भी देगा। लेकिन हुमायूं यहाँ पे अब वो पुरानी गलती नहीं करता है और वो बंगाल में प्रवेश करता है, शेरशाह के पीछे भागता है, तो शेरशाह वहां से सारा खजाना लेके भाग जाता है रोहतास। अब यहाँ पे हुमायूं फिर से एक और गलती कर देता है, जो हालांकि उसको गुजरात में नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन गुजरात में उसने ना रुक के गलती करी और यहाँ पे रुक के गलती कर दी। अब वो यहाँ पे बंगाल में रुक जाता है, उसको लगता है कि मैंने गुजरात में नहीं रुका था, मैं तो वहां का प्रशासन अच्छे से संगठित नहीं हो पाया, तो यहाँ पे बंगाल में रुक जाता है और वो ध्यान नहीं देता कि शेरशाह सूरी चला गया और शेरशाह सूरी अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो ये जो हुमायूं है ये बंगाल में 6 महीने तक रुकता है, सोचता है यहाँ का प्रशासन मैं पहले ठीक कर दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ूं। लेकिन उसी समय जो उसके अमीर हैं वो बंगाल को भी गुजरात की तरह विदेश मानते थे और यहाँ पे रहने के बिल्कुल अनिच्छुक थे। और उधर हिंदाल जो आगरा में रुका हुआ था, उसका छोटा वाला भाई, वो बगावत कर देता है और वो अपने आप को घोषित करना चाहता है बादशाह। तो हुमायूं को जैसे ही पता चलता है, फिर हुमायूं को बंगाल छोड़ के वापस आगरा की तरफ भागना पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब बंगाल से वो आगरा की तरफ भाग रहा है तो बीच में शेरशाह खड़ा है। शेरशाह जो कि बंगाल से भाग के गया था, उसने उस बीच जिस समय हुमायूं बंगाल में रुका, उसी बीच शेरशाह ने अपनी स्थिति को मजबूत करके बनारस, चुनार, जौनपुर इन सब पे अधिकार कर लिया और सारा का सारा क्षेत्र के ऊपर घेरा डाल के बहुत लूट मार करी और अपनी स्थिति, अपने जो घुड़सवार की संख्या थी वो बहुत अधिक बढ़ा ली। तो अब यहाँ से हुमायूं को वापस आना पड़ता है। जब वो वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में एक जगह पड़ती है चौसा नाम की। चौसा एक ऐसी जगह है जो कि भौगोलिक स्थिति से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और शायद यहाँ पे जो हुमायूं है वो एक गलती ये करता है कि अब यहाँ पे वो आगरा जाने की बजाय सोचता है कि मैं वहां पे अफगानों को हरा के बिहार और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, जौनपुर से नीचे की तरफ, बनारस से और इधर, तो सोचता है कि शायद यहाँ पे मैं रुक के अफगानों को हरा दूंगा और उनकी शक्तियों को शायद वो नहीं आंक पाता है, कम आंकता है, बजाय इससे कि वो आगरा जाके अपनी स्थिति को पहले मजबूत करे और वहां से सेना लेके आगे इनके ऊपर कूच करे। वो यहीं पे रास्ते में उनसे भिड़ने की कोशिश करता है और यहाँ पे होता है बड़ा ही निर्णायक युद्ध, चौसा और बिलग्राम का युद्ध जिसको हम बोलते हैं। पहले सबसे पहले चौसा का युद्ध होता है 1539 में। तो हुमायूं जो है उसको आगरा के मार्ग पर कर्मनाशा नदी मिलती है, जब वो आगरा बढ़ रहा होता है तो कर्मनाशा नदी को पार कर लेता है, आगे गंगा नदी होती है। अब सेना ने पहले ही कर्मनाशा नदी पार कर रखी है, आगे गंगा नदी है, और गंगा नदी पार करके कौन खड़ा है, शेरशाह खड़ा है। तो शेरशाह की जो सेना है वो हुमायूं को गंगा नदी पार नहीं करने देती, और यहाँ पे शेरशाह सूरी जो अपनी सूझबूझ का पूरा फायदा उठाता है, उसको उस भौगोलिक स्थिति का पूरा अच्छे से ज्ञान है, उसको पता है 3 महीने के बाद यहाँ पे बारिश होगी और कर्मनाशा नदी और गंगा नदी दोनों में बाढ़ आएगी, उफान आएगा, तो वो एक तरफ खड़ा है नदी के, लेकिन जो हुमायूं है वो दोनों नदी के बीच में खड़ा। अब जाहिर सी बात है, वर्षा में अगर बाढ़ आती है दोनों नदी में, तो जो हुमायूं है उसकी सेना को ना आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है ना पीछे जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि पीछे कर्णाशाह नदी है,
आगे गंगा नदी है, गंगा नदी अगर उन्होंने पार भी कर ली तो सामने दुश्मन है। तो ये बड़ी चालाकी से सूझबूझ से जो शेरशाह सूरी है वो केवल इंतजार करता रहता है गंगा नदी के दूसरी तरफ, और हुमायूं की सेना जो है वो आधी से ज्यादा डूब जाती है। हुमायूं की भी जान बड़ी मुश्किल से बचती है, भिजती है निजाम नाम का जो उसकी जान बचाता है, ये महत्वपूर्ण है। और ये जो निजाम नाम का भिजती है इसको जान बचाने के एवज में आधे दिन की बादशाहत भी देता है हुमायूं आगे चल के। तो शेर खान जो यहाँ पे बड़ी आसानी से जीत हासिल कर लेता है, और शेर खान जीत हासिल करने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण करता है और खुद को सुल्तान घोषित करता है। तो किस युद्ध की बात करता है महत्वपूर्ण है, शेरशाह की जो उपाधि है वो धारण करता है चौसा के युद्ध के बाद, ये महत्वपूर्ण है। और इन युद्धों की क्रोनोलॉजी महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने आपको बताया पहले कलिंजर का युद्ध हुआ, फिर दादरा का युद्ध हुआ, अब चौसा का युद्ध हुआ, आगे चल के बिलग्राम का युद्ध हुआ। अब जो हुमायूं है वो चौसा में शेरशाह से हार के वापस आगरा पहुंचता है, लेकिन अब जो इसके भाई हैं उनको इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और कामरान जो है वो अपनी सेना लेके वापस भाग जाता है, बजाय इसके कि साथ दे अपने भाई का वो वापस भाग जाता है लाहौर अपनी सेना लेके। तो अब हुमायूं यहाँ पे अकेला है, और कन्नौज में फिर से शेरशाह सूरी के हाथों उसकी पराजित होती है 1540 में, जिसको हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं और कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। काबुल जो है वो ऑलरेडी कामरान के पास है, काबुल कंधार वो जा नहीं सकता, भाई और पहले से दुश्मन होके बैठे हुए हैं, शेरशाह ने उसको हरा के बिल्कुल दिल्ली से बाहरी कर दिया है, खदेड़ दिया है। तो अब वो जाए तो जाए कहाँ, तो उसको भारत से निर्वासित होना पड़ता है, भारत छोड़ के भागना पड़ता है। अब इसके विफलता के कारण क्या है, सबसे बड़े कि उसने अफगानों की शक्ति को पहले तो कम आंका, गलत आंकलन किया, और वो जबरदस्ती वहां पे चौसा में उनसे उलझ गया जाके। मुगल उमरा वर्ग जो थे वो भी आपस में बटे हुए थे, मुगल अधिकारियों की आगरा दिल्ली से दूर रहने की जो सहमति थी वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाती है, क्योंकि ना तो वो गुजरात में रहना चाहते थे संगठित करके अपने प्रशासन को, ना ही वो बंगाल में रहना चाहते थे, तो जिसकी वजह से हुमायूं को खुद वहां पे जाना पड़ा। फिर हुमायूं की जो पूर्व की नीति है वो बहुत बड़ी घातक सिद्ध हुई उसके लिए, क्योंकि सबसे पहले उसने जब चुनार में संधि कर ली, पहली तो गलती उसने ये करी, संधि करी, फिर उसको मौका दिया शेरशाह सूरी को मजबूत होने का, फिर जब वो बंगाल गया तो बंगाल में जब शेरशाह सूरी भाग गया था सारी धन दौलत लेके, तो वहां पे रुकने का कोई मतलब नहीं था हुमायूं को, लेकिन उसने सोचा कि शायद मैं यहाँ पे रह के संगठित करूंगा प्रशासन को, तो वहां पे रुक जाता है। तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। उसी बीच शेरशाह सूरी अपनी जो घुड़सवार संख्या बढ़ा लेता है, तो हुमायूं की जो पूर्व नीति है ये भी एक तरह से कारण है। अंतिम में उसके भाइयों का विद्रोह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हिंदाल है उसने अलग ही वहां पे अपने आप को बादशाह घोषित कर रखा है, जो कामरान है वो साथ नहीं देना चाहता हुमायूं का, और वो अपनी सेना लेके वापस लाहौर भाग जाता है। तो ये सारे जो कारण थे ये इसकी वजह से हुमायूं की विफलता होती है, और ये हुमायूं जो है यहाँ से निर्वासित हो जाता है भारत से, जिसकी हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, किस तरह से निर्वासित होकर अपना जीवन यापन करता है और कैसे उसको सहायता मिलती है, और वो किस तरह से वापस भारत की पुनर्विजय करता है जब शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है उसके बाद। हालांकि शेरशाह सूरी जब तक जिंदा है, जब तक वो भारत आने की बारे में सोच भी नहीं सकता, तो शेरशाह सूरी के बाद किस तरह से वो भारत आता है, किस तरह से भारत के ऊपर आक्रमण करता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध, इन सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये युद्धों की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।